हेलो माय डियर स्टूडेंट, पत्र लेखन आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। बोर्ड एग्जाम में पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र लिखने का सही तरीका क्या है और कौन कौन से पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम इस वीडियो में सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। पत्र लेखन आपका बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। पत्र कैसे लिखते हैं, टॉपर स्टूडेंट पत्र कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कैसे पत्र पूछे जाते हैं आपके। यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्ररूप के साथ उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो बेसिकली पूछ लिया गया है कार्यालय पत्र, व्यक्तिगत पत्र या व्यवसायिक, यानी व्यवसाय से रिलेटेड कोई पत्र लिख दीजिए, व्यक्तिगत यानी अपने ऊपर या कार्यालय कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके रिलेटेड। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में किसी एक पर पत्र लिखना है, जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हमारा पत्र लेखन है, और ये भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा 5 पत्र लेखन इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग तैयार कर लेंगे तो वही पत्र लेखन आएगा। कॉन्सेप्ट सारा यही रहेगा, आपको इसी तरीके से सारे पत्र को लिखना है, जो आज हम इस वीडियो में आपको बाकायदा पूरा बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऐसे ही आप लोगों को हर एक पत्र को लिखना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए, क्या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, यानी स्कॉलरशिप के लिए क्या करना है, आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसी पर आपको पत्र लिखना है। तो ये पहला हमारा हो गया जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है पत्र लेखन में। अब हमने आपको बताया था 5 आपकी इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन है, जो आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर पाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबसे पहला मैंने बता दिया, ये आपका दूसरा होना चाहिए था। ठीक है, तो दूसरा आपका हो जाएगा ऋण। ठीक है, ऋण प्राप्ति, तो मैंने इसको क्लियर कर देना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए दूसरा आपका क्या है, अपने मोहल्ले में, दूसरा हमारा पत्र है कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए। ठीक है, तो अपने मोहल्ले में यानी हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में फैली जो गंदगी है आसपास के, उससे रिलेटेड जो नगर पालिका यानी जो साफ़ सफाई करने वाले जो पालिका है, इसके अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें शिकायत पत्र लिखना है। ये दूसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन हो गया। तीसरे की मैं बात करूं तो कौन सा इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन है, यहाँ पर देखिए तीसरा है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने ज़िले के बिजली विभाग को एक पत्र यानी एक शिकायती पत्र लिखिए। यानी समझ लीजिए कि बिजली की कटौती हो रही है, बार बार बिजली चली जा रही है, जिससे पढ़ाई में क्या है दिक्कत होती है, तो इससे रिलेटेड आपको पत्र लिखना है। ठीक है, पत्र कैसे लिखा जाता है ये कॉन्सेप्ट आज वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन है। उसके बाद में देख लीजिए चौथा कौन सा इम्पॉर्टेंट है पत्र लेखन। देखिए चौथा पत्र लेखन इम्पॉर्टेंट है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, एक आपको क्या है प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि लिपिक पद पर नियुक्त है। ठीक है, तो इन पर भी आपको तैयार कर लेना है। चौथा नंबर भी पत्र लेखन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब देख लेते हैं पाँचवा, जो कि 1 नंबर का है, यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा। ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ऋण प्राप्ति का तात्पर्य यानी लोन संबंधी जानकारी के लिए जो भारतीय स्टेट बैंक है, इसके जो प्रबंधक हैं उनको क्या करना है, एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 पत्र लेखन है जो आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए बताए थे। ठीक है, पत्र लेखन के बारे में जान लिया, तो इसमें मैंने आपको कौन से पत्र लेखन के बारे में बताना है, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, यानी भैया हमें एक छात्रवृत्ति को चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए हमें, इसीलिए प्रिंसिपल को हमें एक क्या पत्र लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं, आपका ऐसे पत्र लिखने के लिए आएगा, आपका क्वेश्चन इसी तरीके से देना है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से शुरू होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका इसी से नीचे शुरू होगा, आपको इस तरह से नहीं लिखना है। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ों को स्टार्ट कर देना है पत्र लेखन में। ठीक है, देखिए कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले आपको लिख देना है सेवा में। ठीक है, देखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, जो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सरस्वती विद्या मंदिर, ये क्या नाम है, स्कूल का नाम है, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का नाम हो गया कानपुर। यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का भी आप लोग नाम
लिख सकते हैं, नहीं तो किताबी भाषा से ही आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने किताबी भाषा से लिया है। अब विषय क्या है, देखिए भैया विषय के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस विषय के बारे में पत्र लेखन लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ठीक है, विषय देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए संबंध में, यानी विषय हमारा क्या भैया छात्रवृत्ति के लिए हमें क्या स्कॉलरशिप चाहिए, उसके विषय में हम ये पत्र को लिख रहे हैं। अब यहाँ से भी हमारा सारा खेला स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने रिस्पेक्ट करना आपको सिखा दिया है, यानी कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सरस्वती विद्या मंदिर, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा टू द प्रिंसिपल ऑफ, यानी आगे सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारे सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, यानी जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में भैया हम छात्रवृत्ति को पाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ से हम पूरा प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर महोदय लिख देना है। देखिए महोदय सबसे बेटर रहता है, यहाँ पर आप मान्यवर भी लिख सकते हैं लेकिन महोदय बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। ठीक है, कक्षा 12वीं का क्या हूँ, छात्र हूँ। अपनी पिछली कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। ग्यारहवीं कक्षा में 94%, ये ग्यारहवीं है, ठीक है, ग्यारहवीं कक्षा में 94% अंक पार कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पढ़ाई के साथ साथ विवाद वाद विवाद भाषा तथा कविता पाठ प्रतियोगिताओं में भी मैंने कई पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, मैंने कई क्या पुरस्कार जीते हैं। मेरे पिताजी पिछले वर्ष से गंभीर रूप से, क्या भैया जो मेरी पिताजी हैं पिछले कुछ वर्षों से क्या है गंभीर रूप से अस्वस्थ, यानी उनकी शारीरिक जो है और उनका हेल्थ जो है ठीक नहीं है, अस्वस्थ हैं, जिसके कारण वे अपनी नौकरी से अवकाश पर चले, यानी छुट्टी पर चल रहे हैं। हम तीन भाई बहन हैं जो छठी, यहाँ पर देखिए तीन भाई बहन है भैया जो कि छठी 10वीं तथा 12वीं में पढ़ते हैं, यानी 12वीं में जो मेन टॉपिक है जो बच्चे ने लिखा है वो 12वीं में है। लेकिन क्या है यहाँ पर तीन भाई बहन, यानी क्या है एक प्रकार से एक भाई है दो बहन भी कह सकते हैं या दो भाई एक बहन, ठीक है, पढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए महंगाई के कारण गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, महंगाई के क्या करना भी हम गुजारा मुश्किल हो रहा, अतः विनम्र प्रार्थना है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें जिससे कि मैं पढ़ाई जारी रख सकूं। यानी भैया छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप चाहिए उसको, जिससे वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके और जारी रख सके। ठीक है, आपकी इस कृपा के लिए सदैव आभारी रहूँगा। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये को हर एक टॉपिक में आपको यूज करना है। जितने भी मैंने आपको बताए हैं पत्र लेखन के बारे में, प्रश्नों को बताए जो पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी में ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका इस कृपा के लिए सदैव आभारी रहूँगा। ठीक है, अब क्या करूँगा यहाँ पर साधन्यवाद या धन्यवाद या साधन्यवाद। ठीक है, दिनांक लिख दीजिए जिस तारीख को आप लिख रहे हैं पत्र लेखन या जिस तारीख को भेजना चाहते हैं उसको आप दिनांक लिख दीजिए। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, आपका आज्ञाकारी यहाँ पर शिक्षक लिखना ज़रूरी है, शिवम आर्य, जैसा कि मेरा नाम है शिवम आर्य तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आपका जो भी जो नाम होगा यहाँ पर आप लोग बाकायदा लिख सकते हैं, नहीं तो आप बुक के हिसाब से सारी जानकारी को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए पत्र लिखते समय आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए पत्र लिखते समय एक टॉपर बच्चा जो पत्र कैसे लिखता है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए सेवा में यहाँ पर लिखा है, अब आप लोग देखेंगे कि एक लाइन से क्यों खींचा गया है, क्योंकि एक लाइन से ही देखने में अच्छा लगता है। यहाँ से आप लिखेंगे तो एक लाइन से रहेगा तो सारी चीज़ें आपका इसी तरीके से सीरियल से चलता चला जाएगा। जैसा कि आपने सेवा में लिखा प्रधानाचार्य महोदय सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का नाम और कानपुर, ये नीले पेन से आप लोगों ने लिख दिया, लेकिन जो विषय है यानी जिस टॉपिक पर आप ये पत्र लेखन लिख रहे हैं उसके बारे में आप ब्लैक पेंस का यूज कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग ब्लैक पेन का ऐसे ही यूज करके आप उस विषय के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा महोदय। ठीक है, महोदय का अर्थ क्या हो जाएगा भैया, महोदय यानी जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। तो नीले पेन से हमारी यहाँ पर सबसे पहला जो लाइन है यहाँ तक आपको करना है कि सविनय निवेदन है। ठीक है, सविनय निवेदन वाला भैया ये लाइन आपको हर एक पत्र लेखन में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पत्र लेखन में आपको सविनय निवेदन के बारे में आपको बताना है कि भैया सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। अब आपको यहाँ से सारी चीज़ें जो भी आपका होगा डिटेल में समझाते हुए पूरा चलिएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, अब देखिए यहाँ तक आपने लिख दिया, अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये जो लाइन मैंने आपको बताई है ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सा धन्यवाद भी आप लोग ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, नहीं तो दिनांक जो है ये भी ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आपका नाम होगा वो जो है ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को पत्र लिखना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने पत्र लिखने का सही तरीका आप लोगों को बताया है कि बोर्ड एग्जाम में एक विद्यार्थी कैसे पत्र लिखता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पत्र लिखने का सही तरीका भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। और पत्र लिखने का देखिए, आपकी बोर्ड एग्जाम में जो मैंने 5 पत्र लेखन को बताए हैं, 8 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप इन्हीं 5 पत्र लेखन को तैयार कर लेंगे तो आपका 8 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारे साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं उनमें ये नया जुड़ा हुआ है। सामान्य हिंदी में 6 नंबर का पूछा जाता है पत्र लेखन। तो ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट जय हिंद।